तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्राइम। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप सब भी अच्छे होंगे। तो गाइस आज का सीन ये है कि आज दादाजी, चाचा जी और दादी तीनों ही गांव गए हुए थे, कुछ अर्जेंट काम था। सुबह जब गए थे तब तो वो गाड़ी में चले गए, लेकिन गाड़ी अभी आ चुकी है और वो अभी गाँव में ही है। तो चाचू ने अभी कॉल किया है कि तुम ट्रैक्टर लेके आओ गाँव और हम सब लोगों को लेके जाओ। तो चलिए चलते हैं, फिर ट्रैक्टर लेके गाँव चलते हैं और उनको लेके आते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स बिगिन टू प्राइम। तो लो जी गाइस, ये खड़ा अपना प्राइम। तो सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं, बहुत दिनों से यहाँ पर खड़ा है तो इस पर मिट्टी वगैरह जमी हुई है। और की मैंने निकाल ली है, तो इसके अंदर की डालते हैं। और सबसे पहले मैं इसको कपड़ा लगाता हूँ। और गाइस इसका फ्यूल भी चेक कर लेते हैं, कहीं पता चले रास्ते में फ्यूल ख़त्म है तो हम भी बीच रास्ते में ही कहीं खड़ा हो जाएं। तो हाँ गाइस, फ्यूल इसमें है, लगभग आधी टंकी अभी भी इसके अंदर फ्यूल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 किलोमीटर का जाने का होगा और 9 किलोमीटर वापस आने का होगा, तो दो ज़्यादा से दो 4 लीटर का फ्यूल कंजप्शन होगा, तो इसमें काफ़ी है अभी, तो हमारे लिए बहुत है। तो चलिए सबसे पहले इसको कपड़ा लगाते हैं और करते हैं इसको साफ। बाकी गाइस सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, साथ साथ में कपड़ा लगाऊंगा, तब तक ये गर्म हो जाएगा, फिर अपन चल देंगे। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। गाइस प्राइम हो चुका है स्टार्ट। सबसे पहले हम लगाते हैं इसका कपड़ा और कर लेते हैं क्लीन। तो लो जी गाइस, इसको हमने कर दिया है साफ, बिल्कुल कपड़ा लगा दिया है और अंदर सब कुछ लॉक कर देता हूँ। पीछे से कुत्ते बिल्ली वगैरह हुड़दंग मचा देंगे, तो इसलिए सब कुछ लॉक कर देते हैं और थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो गाइस चलते हैं, फिर बैठते हैं इस पर। तो लो जी भाई, बड़े दिनों के बाद मौका मिला इसको चलाने का, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, यहीं पर खड़ा था। चलिए चलते हैं, करते हैं सफ़र की शुरुआत। गाइस यहाँ पर देखो कितनी हरियाली है, और शायद वो अंकल लिफ्ट लेने वाले हैं हमसे, तो चलो कोई साथ में ले चलेंगे। और 3 किलोमीटर तक रोड है, तो चलते हैं। ताल से बस 3 किलोमीटर दूर अपना गांव है, तो चल अभी हम रोड मिलेगी थोड़ी देर में, रोड पे चढ़ जाएंगे। गाइस ये रोड आ गई। तो गाइस रोड पर चढ़ चुके हैं, पर इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, पता ही नहीं चल रहा है रोड में गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड है। देखो कितने सारे गड्ढे हैं। और इसका ORVM भी हमने सेट कर लिया है, पीछे का व्यू अच्छे से दिख रहा है। भाई साहब गाड़ी वाला बिल्कुल सामने आ गया ना, पता नहीं क्या सोच कर चल रहे हैं। चलो कोई गल नहीं, अपन तो चलते हैं अपने। गाइस देखो यहाँ पे रोड है भी कि नहीं है, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। ट्रैक्टर तो क्या, गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती इतने में, तो ट्रैक्टर के फिर भी सस्पेंशन नहीं होते, गाड़ियों में तो सस्पेंशन तो होते हैं।
करता हूँ इतने में एक गड्ढा फिर से आ जाता है, फिर से मुझे गियर डाउन करना पड़ता है। देखो गाइस यहाँ पे चला ट्रैक्टर और ये आगे गड्ढा आ गया, फिर से गियर डाउन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से तो निकल जाएगा शायद स्लो करने से, आओ ना निकल जाएगा भाई साहब। कमर की तो बैंड बज जाती है इसे, यूं हिलता है ना। कहीं पर नहीं मिलेगी हमको, थोड़ी दूर चलते हैं फिर गड्ढा हो जाता है, फिर स्लो करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे प्लेन रोड है, गियर शिफ्ट किया थोड़ी दूर चला फिर गड्ढा आ जाएगा। तो इस बार यहाँ से गड्ढे से हम यहाँ से नीचे उतार लेते हैं इसको। बिल्कुल प्लेन रोड है, अच्छे से चल रहे हैं। रात में अगर आप ध्यान ना दो तो अचानक से गड्ढा हो जाता है। आप देखो ये पूरी रोड बीच में से कटी हुई है, बिल्कुल स्लो से निकालना पड़ता है। तो गाइस अब आपसे मिलता हूँ मैं गांव के अंदर ही। तो गाइस फाइनली गांव के अंदर एंटर कर चुके हैं। उतरना होगा, बेसिकली जाते थे ये रोड गांव के अंदर ही है, लेकिन यहाँ से आगे रास्ता ब्लॉक है तो उसमें बड़ी गाड़ियाँ ट्रैक्टर जैसे नहीं निकल सकते, बाइक साइकिल जैसी वाहन है वो निकल सकते हैं, सिर्फ बड़े वाहन नहीं निकल सकते। चलो कोई नहीं, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, अपने पास तो ट्रैक्टर है, इसे भी निकाल दो इसको भाई। ट्रैक्टर होने का यही तो फायदा है। और आप देख रहे हो ये पहाड़ जैसा, ये सरसों की पलरा बोलते हैं हम तो, वो है। तो गाइस अब प्रॉपर गांव आ चुका है, आप देख सकते हो घर भी आ चुके हैं। तो अब मैं आपको वापस आते हुए वक्त मिलूंगा तब। तो जी गाइस वापस चलते हैं फिर। लो जी गाइस फाइनली आ चुके हैं फिर से खेत में गांव जाके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो एक नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।